जय हो। जय गुरुदेवा 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 स्वरूपा जय गुरुदेवा शांति स्वरूपा जय गुरुदेवा महाकाल रूपा जय गुरुदेवा महाकाल रूपा जय गुरुदेवा देवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुर कृष्णो गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तत्मय श्री चल भैया के घूमने वो आए आरती की भाई चल भैया के घूमने वो आए आरती की भाई पिया पर जय पंडा ने सिंगार आरती मान रही तार मर में हो रही जय जय तार मर में हो रही जय जय तार मर में हो रही जय जय तार नर नारी सुमरे जस गाए आरती की भये बिरिया नर नारी सुमरे जस गाए पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला अब ज्योति जगाने वाला अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला अब ज्योति जगाने वाला अब ज्योति जलाने वाला अब ज्योति जलाने वाला हर नाम यही घनश्याम यही हर नाम यही हर नाम
सबके मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि शरण कराने वाला, शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि शरण कराने वाला, हरि शरण कराने वाला, हरि शरण कराने वाला, ये सुख करनी है सुख हरणी, सुख करनी है सुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। दुकाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। गौर गौर में प्रणाम पाप सदा पाप में पुजे निहार, सदा वचन रंग विचार बिंदे भगवान भवानी है अपना चरण कमले भ्यो नमः।
विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्मृति यज्ञ विभूषिताय गौरीश्रुताय गणनाथ नमो नमस्ते वंशी विभूषित करा नवनीरदाभातु पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंदनेत्रातु कृष्णांत परम किमपि तत्त्ववहं न जाने कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांति अदेभि मे बसतु मानस राज हंसा प्राण प्रमाण समये कपवातु पित्यै कंठाभिरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ति नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतु अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं मेन चराचरं पदपदं दर्शितं मेनु तस्मै श्री गुरुवे नमः त्वाये हनुमन्त विराजये कथा होत तुयान सुचि सेवक तुम राम की तुम्हें चरणन को दास लोकाभिरामं रणरंग धीरम राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं
शरणं प्रपद्ये तु भगति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम बपुएक मन इनके पद वंदन किए सुना सत बेगने अनेक तो जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु तो जय जय माखन चोर सब दोरन को छोड़ कर आयो तेरी द्वार अब हे प्रभु मोरे सावरे अब मेरी ओर निहार बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हाँ उपस्थित सभी विप्र वृंद एवं भक्ति गार्गी अनुसुईया कौशल्या अम्बा मातृ स्वरूपा भक्ति स्वरूपा सभी माताएं बहने संगीत पर साथ दे रहे हमारे महबूबा वाले ठाकुर साहब जी राजा भैया सूरदास जी कमलेश जी राहुल जी एवं बाहर से पधारे हुए सहारा न्यूज पर कथा के लिए जो प्रसारण कर रहे हमारे दीपक भैया मिश्रा जी पटना वाले मिश्रा जी घाना वाले एवं यत्र तत्र क्षेत्र से पधारे सभी श्रोता अनुरागी बंधु हम आप लोगों के समक्ष में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराने के लिए जा रहे हैं। कथा का आज सप्तम दिवस है। भगवान श्रीमन नारायण की कृपा इस परिवार पर हुई और पारीक्षित के रूप में विराजमान हमारे शिव प्रसाद के बट भैया जी भगवान की इतनी असीम कृपा हुई कि इस पुरुषोत्तम माह के शुभ अवसर पर इतना पावन पुनीत कार्य किया कि सारा क्षेत्र हमारा आह्लादित हो गया। बोले चारों तरफ परमात्मा की जब कृपा हुई तो चारों तरफ आनंद ही आनंद है। इनके परिवार के द्वारा ऐसे सत्कर्म में हमारी जनता जनार्दन को मिल रहा है। आइए आज सप्तम दिवस की वेला में प्रवेश करते हुए दो बार नाम संकीर्तन अपनी मनवाणी पवित्र करने के लिए मैं आप लोगों को प्रतिदिन बतलाता हूं भैया परमात्मा का नाम एक ऐसा है कि जीवन में तुम्हारे साथ कुछ और तो जाने वाला नहीं है केवल और केवल एक परमात्मा का नाम ही ऐसा है कि वह नाम अगर आप रटते रहोगे परमात्मा का चिंतन करते रहोगे तो एक ना एक दिन वो ही परमात्मा श्याम सुंदर तुम्हारे सामने भी आके खड़ा हो जाएगा केवल भगवान का नाम लेते लेते। इसलिए आइए
हम अपनी मनवाणी को पवित्र करते हैं और भगवान नाम संकीर्तन में आप सभी लोग सम्मिलित हैं। खोलिए दोनों हाथ, बजाइए मेरे साथ ताली और गाइए परमात्मा का प्यारा प्यारा नाम कि जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। को खाना मन बसिया प्यार
को भेजे को मने बसिया प्यारो ब्रज को खाना मन बसिया प्यारो ब्रज को मने बसिया करे आलिंदे करे आलिंदे बोले बेलो जय जय राधा रमण हरि को जय जय कहना न किया विपत्ति में के भैया के टेक रघुनाथ बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गुरु नानक जी कहते हैं महाराज जब संसार छोड़ करके आदमी को चला जाए जब मनुष्य के ऊपर घोर विपत्ति आ जाए उस समय महाराज तुम्हें कोई साथ ना दे लेकिन आज जो आप कर्म कर रहे हैं जिस साप्ताहिक विधान को आप कर रहे हैं ये आपका किया हुआ धर्म है। ये 3 घंटा का समय जो तुम निकाल करके भगवान की भगवत कथा में विराजमान है ये समय तुम्हारा जीवन का यही महत्वपूर्ण है। नानक जी ने कहा कि संसार चला जाए प्रीतम जान लियो मन माही अपने सुख में ही जगह बांधियो को काऊ को नाही सुख में आन मिलई सब बैठत राहत चहूं दिसी घेरे और विपत पड़ी सब ही संग छाणत को न आवत नेरे। बोले महाराज जब आदमी के यहां पर कोई समस्या आ जाए तो फिर अपने वाले लोग बोले महाराज छोड़ के जाने लग जाते हैं। इसलिए उस विपत्ति के समय में केवल एक और केवल मात्र एक
परमात्मा ही तुम्हारा साथ देगा महाराज, बाकी तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। जो आप धर्म कर रहे हैं ये धर्म तुम्हारे साथ जाएगा, क्यों? इस जीव का केवल एक ही सहारा है, धर्मान गो गच्छति जीवेका। इसलिए परमात्मा जब हमारे लिए कहीं शुभ अवसर देवे तो भगवान की खूब कथाएं सुने। कथाएं सुनने के बाद में ही परमात्मा के बारे में आप जान पाओगे। सत्संग में इसलिए तो जाना चाहिए। जब हनुमान जी महाराज लंका को गए तो हनुमान जी महाराज ने सोयोजल समुद्र को लांग करके जब त्रिकूट पर विराजमान उस लंका में गए तो एक लंकिनी पहरेदारी कर रही थी। बोले महाराज, जिस समय हनुमान जी महाराज लंका में घुसने लगे, सत्संग की बात बतला रहा हूं, वह लंकिनी हनुमान जी महाराज से कहती, अरे चोर की भांति तू कहां घुसता चला आ रहा है? हनुमान जी महाराज ने कहा, अरे सच्चा चोर तो इस लंका में बैठा है, तू मुझसे चोर कहती है, लेकिन जो लंकनी ने कहा कि तुम हमें जानते नहीं हो, मैं यहां की पहरेदार करने वाली हूं, लंका के मेन द्वार पर इसलिए हमारे लिए लगाया गया है कि कोई भी अंदर नहीं घुस सकता है। हनुमान जी महाराज से जब चोर कहा तो हनुमान जी ने मुष्टी का एक महाकपि हनी और रुधर भमत धरनी डनमनी। बोले महाराज, जो एक मुष्टि का प्रहार किया सोई कह दिया कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सोलभ न सोई। उसने क्या कहा? बोले तात स्वर्ग अप वर्ग सुख। लंकनी कहती है हनुमान जी से, बोले तात स्वर्ग अप वर्ग सुख और धरई तुलाए के अंग मन तूल न ताही सकल मिली जो सुख लवो सतसंग। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। लंकनी कहती है महाराज, सत्संग के अलावा सच्चा सुख कहीं है ही नहीं, और आज हमें ज्ञान हो गया। इसलिए मनुष्य को सत्संग सबसे ज्यादा करना चाहिए। कितना ही बुद्धिमान व्यक्ति क्यों ना हो, कितनी ही उसने विद्या क्यों ना पढ़ी हो, लेकिन जब तक उसने सत्संग नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया महाराज, जब तक उसने कुछ नहीं किया और उसका ज्ञान, बोले महाराज, लंगड़ा है। इसलिए परमात्मा श्याम सुंदर गुणानुवादों को मनुष्य को सुनना चाहिए। आइए प्रसंग पर आ जाएं। कल भगवान के विवाह की कथा आप लोगों ने श्रवण की, और भगवान की कथा श्रवण की और बहुत ही भगवान का धूमधाम से आप लोगों ने विवाह का आनंद भी लिया। इसलिए बोले महाराज, राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज अब ये बताओ तुम्हारे लिए और क्या सुनना है, क्या श्रवण करना चाहते हो आप? तो बोले महाराज, भगवान के जो आठ विवाह हुए, आठ विवाह जो परमात्मा के हुए, जो आपने रुक्मणी का जो विवाह था महाराज, कालिंदी यमुना का विवाह है, जामवंती का विवाह है, सत्यभामा का विवाह है, मित्र बिंदा का विवाह है, तुमने बड़ी विधि विधान से सुनाया। अब बोले महाराज, ये बताओ क्या आगे भगवान के पुत्र प्रपोत्रों के भी विवाह हुए? वो किस प्रकार से हुए मैं जानना चाहता हूं।
तो बोले महाराज रुक्मणी जी का जब विवाह हुआ तो सर्वप्रथम जो बेटा हुआ वो महाराज प्रद्युम्न नाम से हुआ। ये प्रद्युम्न महाराज साक्षात काम के अवतार हैं। जब यह काम भगवान शंकर के पास में पहुंचा तो भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोला। जो तीसरा नेत्र खोला महाराज सोई काम जल करके राख हो गया, भस्म हो गया। रति रोती हुई गई कामदेव की पत्नी। रति ने परमात्मा भोले बाबा भूत भावन शंकर भगवान के हाथ जोड़े और कहा प्रभु तुमने हमारे पति को भस्म कर दिया है, हमारे लिए हमारा पति चाहिए। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं अब तुम्हारा पति तो भस्म हो गया लेकिन आप चिंता ना करें, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा मानस में संकेत मिला कि कृष्ण तनय हो यही पति तूरा वचन अन्यथा हो ये ना मेरा। तनय हो यही पति तूरा वचन अन्यथा हो ये ना मोरा। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। रति से भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारा पति भगवान श्री कृष्ण का बेटा बन के अवतरित होगा, इसलिए महाराज जब समय आया आज साक्षात काम के अवतार प्रद्युम्न ने सम्रासुर के यहां पर जन्म लिया लेकिन इसने समुद्र में फेंक दिया। जो समुद्र में फेंका महाराज मछली निगल गई लेकिन परमात्मा का विधि विधान ऐसा है कि आज एक मछली ने निगला तो मल्लाह ने उसी मछली को पकड़ा और सम्रासुर के यहां उस मछली को भेज दिया तो महाराज सम्रासुर के घर में ही लालन पालन होने लगा। जो महाराज नारद जी महाराज को पता चला अपनी वीणा उठाई तो भगवान का कीर्तन करते हुए रति के पास में पहुंची। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 जपमन नारायण नारायण मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। जो नारद जी ने रति को बतलाया कि तुम्हारा पति सम्रासुर के यहां पर है इसलिए तुम छद में भेष में जाओ और उसका लालन पालन करो। अब तो बोले महाराज रति अपने पति की ये बात सुनकर के
कि हमारा पति सम्रासुर के यहाँ है। नारद जी की जो बात सुनी और छद में वेश बना करके दासी का रूप बना करके और बोले महाराज जाके सम्रासुर के यहाँ पर नौकरी करने लगी। जैसे ही जैसे प्रद्युम्न जी महाराज बड़े होते जाते हैं महाराज, वैसे ही वैसे रति की जो दृष्टि है महाराज बदलती जाती है। एक दिन जब बोले महाराज प्रद्युम्न जी महाराज बड़े हो गए तो जो रति ने दृष्टि डाली प्रद्युम्न के ऊपर, सोई महाराज जी बोले कि एक जगह तो तुम मातृभाव रखती हो और आज तुम्हारी दृष्टि में हमारे लिए कुछ संकेत ठीक नहीं मिला है। सोई रति ने प्रद्युम्न जी महाराज को पूरी बात बतलाई और बोले जहां तुम पलपुस रहे हो ये तुम्हारा शत्रु है, इसलिए मोने महाराज इसका वध कर दूं और आज सम्रासुर का वध करके और रति को लेकर के प्रद्युम्न जी महाराज द्वारिका में आए। जो रुक्मणी ने बेटा को देखा कि जब पैदा हुआ था तो ये बेटा गुम गया था और अब जब यह बेटा मिला तो बहू को भी साथ में लेके आया है, इसलिए महाराज बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता का पारा बार ना रहा और बोले महाराज इस प्रकार से आज परमात्मा श्याम सुंदर 16108 रानियों के साथ में द्वारिका में रहते हैं। एक दिन नारद जी पधारे द्वारिका कि देखा तो जाए भाई 18,000 पत्नियों के साथ में भगवान कैसे रहते हैं। तो नारद जी महाराज सबसे पहले बोले रुक्मणी के कक्ष में पहुंचे तो वहां भी भगवान मिले, आगे चल के गए कालिंदी के पास में वहां भी भगवान मिले, सत्यभामा के यहां भगवान मिले। जिस कमरे में जाते हैं बोले महाराज परमात्मा श्याम सुंदर मिलते हैं। इस प्रकार से नारद जी ने जब यह परीक्षा ली तो परमात्मा श्याम सुंदर कहते हैं नारद तुम इस माया के चक्कर में मत पड़ो। आज परमात्मा श्याम सुंदर अपने परिवार के साथ में हास्य परिहास भी करते हैं, मन में विचार करते भगवान कि अन्य रानियां तो कभी कभी रूठ जाती हैं लेकिन रुक्मणी ने आज तक हमसे कोई ऐसी बात नहीं कही कि जिससे कभी हम दोनों का थोड़ा बहुत झगड़ा भी हो जाए। भगवान श्याम सुंदर ने आज रुक्मणी जी के पास में पहुंचे और पास में पहुंचने के बाद में रुक्मणी से कहा अरे रुक्मणी जे बताओ तुमने क्या देखा, एक तो मैं काला कलूटा हूं, दूसरा तुम्हारा विवाह जो है शिशुपाल के साथ में हो रहा था जो चेरी देश का राजा है, राजा की रानी बनती, लेकिन हम तो यदुवंश श्रापित हैं, हम कभी राजा भी नहीं बन पाएंगे। और फिर भी महाराज भगवान कहते हैं कि हम हमारे पास में कोई गुण नहीं है, एक बार तो मैं डर के मारे और रण छोड़ के ही भाग आया, इसलिए मैं डरपोक भी हूं। फिर तुमने क्या देखा, ना मैं सुंदर हूं लेकिन आज रुक्मणी जी ने जो इतनी बात सुनी महाराज धड़ाम से नीचे गिर गई। जो नीचे गिरी परमात्मा श्याम सुंदर तत्काल बोले महाराज रुक्मणी को उठाया है अपने पीतांबर से हवा करने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित भगवान का
रुक्मणी से कोई इस तरह का अभिप्राय नहीं था, ना वो जानते थे कि इतना कष्ट रुक्मणी को होगा, न कभी भगवान ऐसा नहीं कहते। आज जो परमात्मा ने उठाया, अपने पीतांबर से पंखा करते हैं, पंखा करते करते बोले महाराज जब कुछ होश आई रुक्मणी को, तो रुक्मणी ने कहा है प्रभु जो आपने कहा बिल्कुल सच कहा, आपने कहा कि हमारे अंदर कोई गुण नहीं है तुम्हारे अंदर, तो वाकई में तुम निर्गुण ब्रह्म हो, तुम निर्गुण ब्रह्म हो, और तुम कहते हो कि मैं रण छोड़ के भागा, तो तुम अपने लिए नहीं भागे, तुम जो रण छोड़ करके भागे महाराज वो अपने लिए नहीं भागे, तुम अपने भक्तों के प्रति भागे फिरते हो। फिर कहते हो कि मैं कहीं का राजा नहीं, तू तो त्रिलोकी का राजा है, मात पिता तुम मेरे शरण गहूं में किसकी, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रवणम तुमेव, तुमेव शरमम मम देव देवम। फिर भी श्रुति पुराण वेद मीमांसा कहते मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजो, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनोहरि। सब मंगल है। और अब की बार तो जो रुक्मणी ने कहा कि तुम कहते हो कि मैं सुंदर नहीं हूं, तो सुनो बोले नंद लला तुम होते लली तो सिर कट जाते करोड़ के। बोले हे नंद के लाला, अगर कहीं वाकई में तुम गोपी होते लली होते तो तुम्हारे प्रति हजारों लोग अपने सिर कटवा लेते, तुम कहते हो मैं सुंदर नहीं हूं। इस प्रकार से भगवान का हास परिहास ग्रस्त आश्रम में रह करके हुआ। क्यों? बोले आदमी संसार की व्यथा में फंसा है, इतना टेंशन आदमी के दिमाग में होता है, लेकिन जब वह अपनी पत्नी के समक्ष शाम को बैठता है, हास परिहास की बात होती है महाराज, तो सारा टेंशन दूर होता है। तो बोले महाराज सुखदेव जी, महाराज कहते राजा परीक्षित इस प्रकार से ग्रस्त में रह करके भगवान और नाना प्रकार के लीलाओं को करते हैं। बोले अपनी बार राजा ने परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव जी महाराज से, बोले महाराज जो प्रद्युम्न हुए, बोले महाराज भगवान के यहाँ पर कोई प्रद्युम्न के यहाँ भी कोई वंशावली हुई? तो बोले हाँ महाराज, प्रद्युम्न के यहाँ भी जो बेटा हुआ अनिरुद्ध, और बोले महाराज अनिरुद्ध के दो विवाह हुए, भगवान के पुत्र प्रपौत्र हैं अनिरुद्ध, इनके भी दो विवाह हुए। बोले महाराज पहला जो विवाह हुआ रुक्मी की नातिन के साथ में हुआ, और दूसरा विवाह जो हुआ महाराज बाणासुर की बेटी तुषा देवी के साथ में हुआ। एक बार जब रुक्मी की नातिन के साथ में जब अनिरुद्ध का विवाह हुआ, परात लेकर के गए, तो बोले महाराज मंडप में तो विवाह की रस्में चल रही थी, लेकिन आज यहां पर रुक्मी ने ताऊ भैया को बुलाया बलराम को, अरका भैया कुछ आज हम जब तक विवाह शादी चल रही, बोले जब तक अपन कुछ आनंद लेवे धूत कीड़ा करें, तो बोले महाराज कौन सा खेल खेला जाए? तो बोले महाराज चौपर वाला खेल फंस गया,
अब तो पांसे फेंकने लगे, लेकिन महाराज रुक्मी का बहुमत ज्यादा था वहां पर। रुक्मी का जो बहुमत था वो ज्यादा था, इसलिए जीत तो होती है बलराम भैया की, लेकिन बात बात पर उसके साथ वाले कहते हैं कि रुक्मी की विजय हुई है, रुक्मी जीता है, कोई बात नहीं। अब बोले महाराज बार बार बस यही बात को करते हैं, बोले अपनी बार तो आकाशवाणी हो गई, आकाशवाणी ने ही बता दिया कि जीत तो दाऊ भैया की हुई है, लेकिन फिर भी वो मानने वाले नहीं थे। अब तो बोले महाराज दाऊ भैया ने कहा कि जब बताओ आकाशवाणी इस बात को कह रही है अब तो मानोगे, तो इसने कहा रे तुम बन के गोचर हो, तुम धूत कीड़ा खेल करके क्या जानो। अरे बलराम को गाली देने लगा, लेकिन बोले महाराज दाऊ भैया से इतनी कोई बात कर दे फिर तो बात गड़बड़ है। उसी समय हल मूसल निकाले और जो महाराज रुक्मी के ऊपर एक मूसल धमक दिया सो एक में ही गोविंद आए नमो नमः। अब ब्याह हो रहा हो तो बोले महाराज कही इतने सब ब्याह में लगे उते तो देखो कितनी लड़ाई हो रही कि रुक्मी तो संसार ही छोड़ के चले गए। उसी समय पे महाराज सारे लोग एकत्रित हुए, भगवान से कहा बोले जी बताओ तुम्हारे बड़े भैया ने रुक्मी को मार दिया है, अब इस बात पे आप क्या कहोगे। अब भगवान ने मन में विचार किया कि अगर कहीं रुक्मी की पक्ष में करता हूं तो हमारी पत्नी रुक्मणी को बातें ठीक नहीं लगेगी, इसलिए यहां भी समस्या आ जाएगी। अगर कहीं कोई शब्द अगर दाऊ भैया के प्रति बोल रहा हूं तो फिर तो आप सब समझते हैं बलराम की गुस्सा को, फिर तो सब किया कराया चौपट हो जाएगा। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित भगवान वहां कुछ बोले ही नहीं, भगवान ने वहां पर अपना मौन धारण किया है और बोले महाराज इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि रुक्मी के नातिन के साथ में अनिरुद्ध जी का पहला विवाह हुआ, दूसरा विवाह है बाणासुर की नगरी सोलतपुर में एक बार इसकी बेटी उषा ने सपने में अनिरुद्ध को देखा। जो महाराज अनिरुद्ध को देखा तो इसकी जो मंत्री की बेटी थी चित्रलेखा उससे कहा मैंने एक बालक को सपने में देखा है। तो बोले कैसा सपने आया, बोले एक बालक दिखा है। तो वो चित्रकला में बड़ी निपुण थी, उसने कई चित्र बनाए, बोले ये है बोले ये भी नहीं है, बोले ये है बोले ये भी नहीं है, लेकिन बनाते बनाते जो अनिरुद्ध जी का नक्शा सामने आया बोले ये ही है। तो बोले महाराज इसने कहा कि हम जाते हैं और इस बालक को मैं पकड़ के लाती हूं। बोले महाराज आज उड़ती हुई गई द्वारिका में पहुंची, और द्वारिका में महाराज पहुंचने के बाद में अनिरुद्ध को सोता ही उठा करके लाई, सोते हुए अनिरुद्ध को इसने जाके बाणासुर की नगरी में सोनतपुर में आके उषा के भवन में सुला दिया। अब जो महाराज जी की नींद जगी खुली, बोले हम कहां आ गए, जो देखा है महाराज। उषा ने कहा कि मैंने तुम्हें बुलवाया है, मैं तुम्हारे साथ गंधर्व रीति के साथ में विवाह करना चाहती हूं। अनिरुद्ध जी ने भी गंधर्व रीति के साथ में और बोले महाराज विवाह किया। एक दिन दोनों हंसते हैं तो जो दरवाजे पर
सैनिक लगे हुए थे, उन्होंने कहा कि बताओ दरवाजे के बाहर बोर्ड लगा है कि पुरुष यहाँ प्रवेश निषेध है, और हम दो दो पहरेदार यहाँ दिन रात चौकीदारी कर रहे हैं, फिर भी महाराज अंदर कौन है? पुरुष की हंसने की आवाज आ रही है। जो इतनी बात महाराज सुनी, सोई महाराज के पास में पहुंचे, बोले महाराज कन्या कुल दूषणम, बोले महाराज कन्या के भवन में कोई पुरुष की आवाज आ रही है। जो बोले महाराज बाणासुर गया, बाणासुर ने जो देखा अनिरुद्ध को तो बंदी बना करके जेल खाने में पटक दिया। अब तो बोले महाराज भगवान को कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि भगवान के यहाँ दस दस बेटा एक एक बेटी प्रत्येक रानी से हुई थी। तो बोले महाराज परमात्मा को पता ही नहीं। अब नारद जी ने मन में विचार किया कि अनिरुद्ध जेल की हवा खा रहे हैं, इनको बताना चाहिए। नारद जी महाराज गए, बोले घर में तो सब कुशलता है, परमात्मा श्याम सुंदर बोले बाकी तो सब कुशल है, बस एक ही बात है कि बहुत समय से अनिरुद्ध जी महाराज नहीं दिखा रहे। तो बोले महाराज कि अनिरुद्ध जी तो बाणासुर की जेल में हवा खा रहे हैं। भगवान को जो पता चला, महाराज तुरंत रथ पर आरूढ़ हुए और जाके बाणासुर की नगरी सोलतपुर में पहुंचते हैं। लेकिन जो परमात्मा श्याम सुंदर वहां पर पहुंचे, इसके घर में एक ध्वजा लगी थी महाराज, ये टूट के गिर गई। जो ध्वजा टूट करके गिरी तो यह तुरंत भगवान शंकर के पास में पहुंच गया। ये जो था बाणासुर, भगवान शंकर का अनन्य भक्त था। भगवान शंकर इसकी तपस्या में बड़े प्रसन्न हुए और कहा वरदान दिया कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। महल में एक ध्वजा लगा दी कि जिस दिन ये ध्वजा टूट करके गिर जाएगी, समझ लेना कि हमारे ऊपर घोर संकट आने वाला है, उसी दिन तुम हमारे पास में आ जाना, मैं तुम्हारी रक्षा करने को आ जाऊंगा। सोई उठे भगवान शंकर के पास में गया। भगवान शंकर कहने लगे कि भाई जब गुरु तुम्हारा मेहरबान है तो फिर चेला पहलवान बने, आप चिंता ना करें। बोले मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। सोई महाराज शंकर भगवान जाके द्वार पर खड़े हो जाते हैं। जो भगवान द्वारिकाधीश आए, द्वारिकाधीश ने जो भगवान शंकर को देखा, भगवान विष्णु ने, तो बोले प्रभु आप कैसे यहां? बोले यार आप कैसे थे? जब आपस में मिले भगवान शंकर और विष्णु, तो बोले आप कैसे? तो भगवान ने कहा कि हमारे बेटा प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को बाणासुर ने बंदी बना के जेल में डाला है, मैं बाणासुर को मार के अपने पौत्र को लेकर के द्वारका जाऊंगा। भगवान शंकर के लगे तो हम लोग की रक्षा कर भी आए। भगवान विष्णु से शंकर भगवान कहते कि मैं उसकी रक्षा करने को आया हूं। अब तो दोनों में महाराज बात बात पर बिल्कुल एकदम बात ही बढ़ने लगी। तो बोले यहां भगवान ने, बोले महाराज शंकर ने पाशुपतास्त्र को छोड़ा और भगवान नारायण ने वैष्णवचुर को भेजा और बोले महाराज जब दोनों में युद्ध की इच्छा होने लगी, उसी समय महात्माओं ने आके समझाया महाराज अगर दोनों में युद्ध हो जाएगा तो प्रलय हो जाएगा। महात्माओं ने आके जब विनय प्रार्थना की तो बोले महाराज पाशुपतास्त्र जो है भगवान शंकर ने वापस किया और बोले महाराज वैष्णव जो भगवान विष्णु ने वापस किया, इस प्रकार से समाधान हुआ। लेकिन भगवान विष्णु ने उसी समय
जिब्राणास्त्र नाम का जो अस्त्र था जिससे जमाई आती है उसका प्रयोग किया। जो छोड़ा है भगवान शंकर को जमाई आ गई। और जमाई कैसी, जब जमाई आदमी को आत है तो ऑटोमेटिक आंखें बंद हो जाती नहीं। अब कछु पाछे जमा रहे हुए तो बगल वाले भी इशारो करियो। भोले महाराज, जब जमाई आई तो अपने आप आंख बंद हो गई। और भगवान की जो आंख बंद हुई तो भगवान विष्णु अंदर हो गए। इस बाणासुर के महाराज 1000 हाथ हैं। बाणासुर से भगवान कहते हैं, जजमान हमारे प्रद्युम्न का जो बेटा है वो कहाँ है? जिले प्राणी अरे अज्ञानी, बस दो दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। अज्ञानी ओ अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। माया झूठी काया, चक्कर में क्यों आया, इसी से अटक रहा है, इसी से अटक रहा है, इसी से अटक रहा है। नरेतन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इस खेल में, ओ नरेतन मिला है किसे, खो क्यों रहा है इस खेल में, हो सोने की काया तेरी उलझी अभी सियों के मेल में, ओ सोने की काया तेरी उलझी अभी सियों के मेल में। सुत और तारा वैभव सारा कुछ भी नहीं तुम्हारा, कहाँ फिर भटक रहा है, कहाँ फिर भटक रहा है। माता पिता और बंधु कोई ना चले तेरे संग में, ओ माता पिता और बंधु कोई ना चले तेरे संग में, ओ मैं और मेरा और तेरा माया का है तेरा, इसी से भटक रहा है,
कृपा से तन पाया है। छोटे जगत में फंस के इनसे प्रेम ना लगाया है। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोले महाराज, इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने राजा पारीक्षित को नृगोपाख्यान सुनाया और अब की बार सुखदेव जी महाराज राजा पारीक्षित से कहते, राजन एक बार जब चैत का महीना आया तो उस महीने में दाऊ भैया ने कहा कि भैया बहुत समय हो गया है, इसलिए हम वृंदावन जाना चाहते हैं। क्यों, जब से हम दोनों मैया से कहकर के आए हैं, जब से वापस गए नहीं हैं, इस कारण से मैं चाहता हूं कि वृंदावन को जाऊं।
लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते के ताऊ भैया दो महीना की छुट्टी में तुम घूम आओ, मैं अभी नहीं जा रहा हूं। जो इतनी बात कही तो चैत बैसाख के दो महीनों की गर्मी को बोले इस गर्मी की छुट्टी को बिताने के लिए आज बलराम भैया बोले बोले वृंदावन पहुंचते हैं। जो वृंदावन पहुंचे गर्मी का समय था महाराज, गर्मी के समय में मन में विचार करते हैं दाऊ भैया की स्नान कर लिया जाए और सारे गोप वालों को बुला करके यमुना से कहते अरे यमुना हम लोगों को गर्मी लग रही है इसलिए स्नान करना है तुम यहां आ जाओ। जो महाराज यमुना ने इतनी बात सुनी सो दाऊ भैया से कहा कि वाह महाराज अगर ऐसे हम स्नान कराने घर घर जाने लगे तो फिर तो हमारा काम ही तमाम हो जाएगा। जो दाऊ भैया से इतनी बात कही महाराज हलको जमीन पर पटक दिया है। यमुना कांप गई और उस क्रोध से महाराज आज भी वृंदावन में यमुना टेढ़ी टेढ़ी है। बोले महाराज दाऊ भैया तो वृंदावन में लेकिन यहां पर जब भगवान को अकेला देखा तो एक पौंडरक नाम के दैत्य ने मन में विचार किया कि अब यहां श्री कृष्ण अकेले हैं द्वारिका में, इसलिए बोले महाराज अब जो है अवसर मिला है इसलिए द्वारिका में जाके चढ़ाई कर दी जाए। इसने काशी नरेश को बुलाया। काशी नरेश ने कहा भैया तुम्हारी अगर जय जयकार करनी है तो कछु खर्चा पत्ता करो। बोले कैसो? बोले दो ही जनों को कमीशन दे है अपने, हम तुम्हें भगवान बना रहे। पौंडरक ने कही कि हमें भगवान बने हो? बोले हाँ। मनो जो कमाई हो जब यादी यादी रहे। बोले महाराज शर्त मंजूर है भगवान ही तो बन जाए। बोले महाराज मगर भगवान के चार हाथ हैं। काशी नरेश ने कही कि दो डुप्लीकेट फंसा दे। बोले भगवान तो कलोर पर यारू रहते हैं, वो द्वारकाधीश गलोर पर बैठते हैं। तो बोले कहीं गलोर से बढ़ के सवारी बन जाएगी। बोले महाराज कंप्यूटर के द्वारा ही ऐसा उड़न खटोला बनाएंगे कि उस उड़न खटोला में बैठ करके जो खटका का बटन दबाओगे सोई महाराज गलोर से ज्यादा उड़ेगा। लेकिन महाराज गलोर की गति से नहीं उड़ सकता है वो। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि गलोर की गति इतनी है महाराज कि मन से भी दूरी है। मन के लाने अब भाई आदमी दिल्ली पहुंचा दे बंबई पहुंचा दे लेकिन उस मन से भी पहले गलोर पहुंचते थे, इतनी उड़ने की शक्ति है गलोर में। आज बोले महाराज बोले खटोला बनाएंगे बटन दबाओगे उड़ेगा। बोले महाराज ठीक है। फिर बोले कछू आदमी सोई तुम्हारा ने खट्टे करने पर है भाई अपने बहुमत में भी कछू आदमी रे में। बोले कही अब बताओ कहीं ऐसे नहीं आ मैं तो पैसा दे के लेके आओ। बोले कही एक काम करो कही क्या अच्छो सो चमत्कार कोई ऐलान से करवा दे कि फलानी जगह ऐसी बीमारी मिटा थे सो कही अपने आप जनता या लंग है। और जब जनता या लंग है सो आप उसको अपने अधीन कर लेना। बोले ठीक है महाराज। अब तो बोले महाराज इसकी पूरी तैयारी हो गई, आदमी भी इसके बहुमत में आ गए।
अब तो पौंडरक की भी जय जयकार करने लगे लोग। एक दिन काशी नरेश ने कहा, भैया अब तुम भगवान तो बनेंगे, पूरी ट्रेनिंग आपको मिल गई, कही अब जल्दी से द्वारका पे चढ़ाई करो। तो बोले महाराज चढ़ाई तो हम कर लेंगे, मगर फिर भी हमारे मन में अभी असमंजस है। बोले तुम भगवान बन गए। बोले एक पत्र लिख दो द्वारकाधीश को। बोले कैसा? बोले अभी उसका भाई भी नहीं है, वृंदावन में है, और तुम उसको पत्र लिख दो कि तुम डुप्लीकेट भगवान हो, अब ओरिजिनल भगवान भाई है, इसलिए अब आप यहां से जाओ, उस समय तक हमें राज्य करने दो। अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो फिर युद्ध की चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी, लिख दो पत्र। काशी नरेश की बात मान के महाराज पत्र लिख दिया इसने। एक पत्र जाके महाराज उद्धव को थमा दिया। जो उद्धव को ये पत्र थमाया, उद्धव ने पत्र खोल के देखा, बोले गजब हो गई भगवान। द्वारकाधीश के सामने पहुंचे महाराज, गजब हो गई। बोले क्या बात भैया? बोले कही तुम तो डुप्लीकेट भगवान आओ, हमें आज बताया पड़ी, कही अब ओरिजिनल भगवान अब भय है। कई पत्र खुआ पूरो पढ़ो। बोले कही महाराज कही इतनी भी बात लिखी है कि अगर तुम नहीं भग रहे आओ तो फिर युद्ध की चुनौती दे रहे हो। तो भगवान बोले एक काम करो, कही अब ज्यादा समय ना लेते भाई। बोले उससे कह दो कि तुम मत आओ, तुम आने में परेशान हो जाओगे, बीच में अगर कहीं तुम्हारा तुम्हारी जो बैटरी है अगर। बोले ऐसे ऐसे भगवान प्रकट भय, कहते के बामतारी के पावने पर गिर, न तुम सबसे लोग खोने जे हो। लेकिन मैं कथा के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इन कलयुगी भगवानों के चक्कर में मत पड़ना, ये सब डुप्लीकेट है। एक जगह तो बोले महाराज, उसने कहा कि हमारे महाराज जी तो बोले इतने जानमकार हैं कि अगर कोई मर भी जाए तो वो जिंदा कर दे, और ऐसी ऐसी भगवान प्रकट हो रहे कल। अब फिर बेचारे धरे रहे मनो कबू नहीं भय जिंदा, इसलिए पौंडरक की कथा से यही शिक्षा मिलती है कि जमाने के प्रपंचों को छोड़ दो, केवल शरणागति उस परमात्मा की लो जो शरण देने में सामर्थ है, कि उसकी शरण में अगर आप आ जाओगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। शरण गए प्रभु दाही न त्यागा। और इनके चक्करों में नरज्जों के मग्गा के पेड़े में हमने बहुत सिद्धि कही है, इसलिए सावधान रहो। धर्म का, इस हिंदू धर्म का खंडन करने के लिए, हिंदू धर्म के लोगों में विकृति पैदा करने के लिए इतने भगवान आ रहे हैं नाना प्रकार के, कि वे बेचारे अपने आप को भगवान मान बैठे। अब ये भगवान जब प्रकट होते, कई होते जाओ तो एकदा अपने आप प्रकट हो जाते। अब जब जेल में पड़े अब काय नहीं प्रकट हो रहा है भाई, उनके लाने जेल से निकल के तो बाहर आ जाओ जगे, फिर भी आज अंधविश्वास में लोग पड़ा है, बस दिन रात उन्हीं की रटना लगाए हैं। इसलिए सावधान रहे। बाप माँ बाप जो है पहले भगवान तो वे ही आए जो उन पांव पर वे की मना कर, कुल देवता है जिनके लाने कहते खोद के नर्मदा जी में सिरा दे, लेकिन वो ही तुम्हारी रक्षा कर भी पा रहे हैं, उन्हें वो खुदवा के फुकवा रहे। ऐसे ऐसे भगवान आ रहे कल युग में। अरे जब द्वापर युग में नहीं छोड़ो, द्वापर युग में जब कृष्ण साक्षात द्वारकाधीश का राज था, उस समय बताओ पौंडरक हरे भगवान बन गए। लेकिन जब उड़न खटोल्ला का बायर महाराज नीचे गिराया, महाराज गिर के समाप्त हो जाते हैं।
इस प्रकार से बोले, महाराज आज पौंड्रक का अंत हुआ। काशी नरेश ने एक कृत्या को प्रकट किया और कहा जाओ पूरी द्वारकापुरी के लिए जला के राख कर दो, लेकिन भगवान ने उस कृत्या का सुदर्शन चक्र के द्वारा और बोले महाराज प्राणों का अंत किया है। सुदर्शन चक्र के द्वारा कृत्या को मार गिराया। इस प्रकार से बोले महाराज चक्र से कहा जाओ पूरी नगरी के लिए, काशी नरेश की नगरी के लिए जाकर के राख कर दो। बोले महाराज सुदर्शन के द्वारा उस नगरी को धराशायी करवा दिया, जल गई वो नगरी। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। राजा परीक्षित ने कहा भैया कहीं कहीं हमारे लिए दाऊ भैया के गुणानुवादों को सुनाते जाओ। तो राजा परीक्षित कहते हैं, राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक बार दुर्योधन की बेटी का स्वयंवर था और जामवती नंदन सांब ने उसका जो हरण किया, हरण जब हुआ तो बोले महाराज दुर्योधन ने इनको बंदी बना लिया। दाऊ भैया को पता चला, दाऊ भैया गए और जाने के बाद में बोले महाराज तुमने हमारे सांब को बंदी बनाया है। बोले महाराज उसने गलती तो की है, क्यों दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया है दाऊ भैया ने, इसलिए गुरु मानता है। तो बोले उसने इतनी बड़ी गलती की है। तो दाऊ भैया बोले के जे बताओ सांब क्या कहीं से कम दिखता है। तो दुर्योधन बोला कि देखो आज तक मैं तुम्हें गुरु मानता था, लेकिन बात की भी कोई हद होती है। इतनी बात दुर्योधन ने कही, सोई बोले महाराज दाऊ भैया को क्रोध आया और कहा दुर्योधन तूने अभी तक गुरु की कृपा देखी है, तूने गुरु का क्रोध नहीं देखा है। और महाराज जो हल को पटक दिया तो बोले महाराज सारी हस्तिनापुर नगरी बोले महाराज गेंद की तरह, गेंद की तरह हिल गई। हाथ जोड़ करके तक्षण खड़ा हुआ, बोले महाराज गुरुजी महाराज हमारे लिए आप माफ कर दो, विवाह किया है और विवाह करने के बाद में सांप को घर लेकर के आए, इसलिए आज हस्तिनापुर नगरी जो है गंगा की तरफ महाराज गंगा के किनारे तरफ मुड़ी हुई है, इसलिए बोले महाराज इस प्रकार से परमात्मा नाना प्रकार के कार्यों के लिए संभाल रहे हैं। एक बार नारद जी महाराज पधारे, परमात्मा श्याम सुंदर शुद्धर्मा नाम की सभा में विराजमान होते हैं। भगवान 4 बजे रात्रि में जाग जाते हैं। जिन लोगों ने ब्रह्म बेला नहीं देखी महाराज वो ब्रह्म को क्या समझेगा, जिन्हें 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त ही नहीं देखो वो परमात्मा को क्या समझेगा। इसलिए महाराज दिन निकलने के पहले तक तो आदमी को जाग जाना चाहिए। जो तो भगवान 4 बजे रात्रि में जाग जाते हैं और 4 बजे जाके सुधर्मा नाम की सभा में विराजमान हो जाते हैं। उस सभा में जब परमात्मा बैठते हैं तो न्याय करते हैं। नारद जी उस सभा में पधारे, नारद जी जब उस सभा में पधारे तो नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु पांडव लोग एक यज्ञ करना चाहते हैं और इस यज्ञ को आपको सफल करना होगा, जो राजसूय यज्ञ है उसको तुम्हें सफल करना पड़ेगा। नारद जी ने पत्रिका दी, लेकिन बोले महाराज
जब तक एक दूत भगवान के पास में पहुंचा, बोले महाराज जी आपके लिए पत्रिका आई है। भगवान ने उस पत्रिका को खोला, जो उस पत्रिका को खोल के भगवान ने बांचा तो उस पत्रिका में लिखा था, प्रभु जरासंध ने हम 20,000 राजाओं को बंदी बना करके कंदरा में छुपा के रखा है, इसलिए प्रभु आगे हमारा उद्धार कर दो। अब भगवान नारद जी से कहते कि जी बताओ पहले कहां जाएं? आपने जो पांडवों ने जो यज्ञ किया है कर रहे हैं उसमें सारे राजाओं की सहमति है कि नहीं? तो नारद जी ने कहा कि प्रभु और तो सब राजाओं की सहमति लेकिन जरासंध भर नहीं है इसमें संदेह। तो बोले महाराज पहले तो उसी को उड़ाना चाहिए ना। बोले ठीक है। नारद जी गए, पीछे से परमात्मा श्याम सुंदर भी जाते हैं, और जो परमात्मा श्याम सुंदर गए पांडवों के पास में तो अर्जुन को साथ में लिवाया, भीम को साथ में लिवाया, और भीम को साथ में लिवा करके कहा महाराज जो यज्ञ कर रहे हो तुम, पहले उस जरासंध के चीथड़े उड़ा दो, उसको मार दो, इसके बाद में यज्ञ संपन्न होगा, नहीं तर महाराज वो फिर गीदल भपकी देने आ जाएगा। तो बोले महाराज जरासंध ऐसे मरने वाला नहीं है। तो बोले कोई युक्ति बतलाओ परमात्मा। तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि देखो जब से ब्राह्मणों ने यज्ञ अनुष्ठान किया था उस समय से जरासंध ब्राह्मणों को बहुत मानता था, इसलिए एक काम करो हम तीनों ब्राह्मण का रूप बना लेते हैं और ब्राह्मण का रूप बना करके जरासंध के पास में जाएंगे और उससे युद्ध मांगेंगे कि हमसे युद्ध करो। जो बोले महाराज अर्जुन कहते ठीक है। तीनों जन ब्राह्मण का भेष बना करके चले और महाराज जाके जरासंध के पास में पहुंचे। जरासंध ने जब तीन ब्राह्मणों को आता हुआ देख करके दंडवत प्रणाम किया, बोले महाराज धन्य है हमारे भाग्य जो तुम हमारे घर पधारे। भगवान श्री कृष्ण बाजू में खड़े हैं भीम भैया के, लेकिन उसी समय जरासंध कहता है ब्राह्मण देवता तुमने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया था, इसी कारण से मैंने कृष्ण को यहां से खदेड़ दिया था, इसलिए बताओ तुम क्या चाहते हो। तो बोले मैं तो युद्ध चाहता हूं। जरासंध ने मन में विचार किया कि ब्राह्मण हैं, वो ब्राह्मण एक योद्धे की चेष्टा कर रहा है, आज ये समझ गया कि ब्राह्मण नहीं हो सकते। लेकिन जब तक भगवान की तरफ देखा तो भगवान की मुस्कान से ये महाराज भगवान को पहचानता है, तो भगवान को मुस्कुराया हुआ देख करके कहता कि मैंने तुम्हें तो कहीं देखा है। भगवान कहते हाँ कहीं कहूं देखो हुई अब कहीं आते जात तो रेत पाठ पूजा कर दिया। लेकिन जरासंध ने कहा बोले बताओ तुम सही कौन हो, अगर तुम ब्राह्मण भी नहीं हो लेकिन ब्राह्मण भेष में हो इसलिए मैं तुमसे युद्ध करने को तैयार है। उसी समय बोले महाराज जो मोटे मोटे जो महाराज हैं, बोले कहिए भीम आए और भीम के बाजू में खड़े हैं वो अर्जुन है, वो अर्जुन के बाजू में जो खड़े हैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण है। बोले ठीक है। आज महाराज युद्ध प्रारंभ हुआ, एक दिन नहीं महाराज दो दिन नहीं, लेकिन न्याय की लड़ाई होती है, न्याय संगत युद्ध होता है। अपने पास में रखता है
जरासंध अपने घर में ही अतिथि के रूप में रखता है तीनों को। जब सूर्य अस्त हो जाता था युद्ध बंद हो जाता था और बोले महाराज रात्रि विश्राम करते थे। इस प्रकार से बोले महाराज एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन नहीं, पंद्रह दिन नहीं, बोले 27 दिन तक युद्ध चला। एक दिन तो जब भीम के ऊपर गदा लगाई, वो गदा का जब प्रहार किया महाराज, सोई भीम कहता है कि भगवान अब बचा लो हमारे लिए। बोले जरासंध ने इतनी गदा लगाई कि शरीर पूरा फट रहा है, लेकिन भगवान ने हाथ से स्पर्श किया। बोले सारी चोट जो थी महाराज वो विदा हो गई। राम नाम की औषधि जो मन से पी जाए, अंग रोग की कहत को भव रोगन मिट जाए। बोले महाराज सारी पीड़ा समाप्त हुई। भगवान ने कहा बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम। तो पूरी भागवत में सुदामा को महाराज कहीं दरिद्र नहीं लिखा है, लेकिन इनकी पत्नी जो है सुशीला, सुखदेव जी महाराज कहते ये थोड़ी सी दरिद्र है। बोले दरिद्रासी दमाना सा बेपमाना भिगम्बचा। शास्त्रों में दरिद्र उसको कहते हैं महाराज जिसके मन में संतोषी नहीं है, जो संतुष्ट नहीं है, ऐसे मन वाले को दरिद्र कहा। सुदामा को कोई दे दे तो भला, ना दे फिर भी भला। लेकिन महाराज एक बात और है, जिस माँ के बच्चे भूखे सोते हो उस माँ के दिल से पूछो, अरे कहीं बेटा अगर एक बार थोड़ा भोजन करके सो जाए तो रात्रि में माँ उसको दो चार बार जगाती है कि आज हमारे बेटा ने कम भोजन किए हैं। और बोले महाराज जिनके बेटाओं को खाना ही नसीब ना हो, खाने ही को ना मिलता हो, ऐसी माँ के दिल से पूछो कि उसकी माँ के जीवन में क्या बीतती होगी। एक दिन बालकों ने कहा माँ हमें भोजन चाहिए, भूख लगी है। तो बोले महाराज सुशीला ने कहा बेटा आज एकादशी का व्रत है। बोले माँ तू प्रतिदिन कहती है कि आज एकादशी है, क्या प्रतिदिन एकादशी होती है? बोले हाँ बेटा, परमात्मा की कृपा ना नहीं है इसलिए महाराज हमारे यहां प्रतिदिन एकादशी हो रही है। बार बार सुदामा से कहती है कि एक बार तुम कहीं परमात्मा द्वारकाधीश के साथ पास में तो चले जाओ, तुम्हारे सारे मरोड़ पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन महाराज जब बालक भी भूख से व्याकुल होकर के बोले महाराज पक्षियों की भांति फड़फड़ाने लगते हैं, उसी समय परमात्मा के रूप में एक संत आ गए, सुशीला के पास में गए और कहा बोले भिक्षाम देही। बोले महाराज
जो भिक्षा की बात कही सुशीला ने नीची गर्दन करनी, बोले महाराज हमारे घर में सूतक है और सूतक में कोई लेना देना चलता नहीं है, ना तो दान दिया जाता है और ना ही दान लिया जाता है, इसलिए महाराज हमारे घर में सूतक है। तो बोले महाराज मरणा सोच सूतक है कि जनाना वाला है, बताया। तो बोले बेटा हुआ है बेटी, बोले बेटा है, नाम क्या है, बोले दारिद्र देव पैदा हुए हैं। जो इतनी बात उस महात्मा ने सुनी समझ गए वो तो साक्षात परमात्मा ही थे। बोले तुम एक बार तुम्हें मालूम नहीं है सुशीला, तुम्हारा पति भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है, परम मित्र है। अगर एक बार वो भगवान के पास में चले जाएंगे तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। सुशीला ने कहा मैं अपने पति से कई बार कहती रही लेकिन वो मेरी बात मानते ही तो नहीं है। बोले मैं मांग नहीं सकता हूं। बोले मांगना मत, परमात्मा तो बिना मांगे, परमात्मा सबके हृदय की जानने वाले होते हैं। लेकिन आज जब वह महात्मा चला गया, शाम को सुदामा जी वापस से आए, सुशीला रो करके कहती पति देव जीवन पर्यंत मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा लेकिन इन बच्चों की विडंबना अब देखी नहीं जाती है, इनकी दुर्दशा जो हो रही है अब देखी नहीं जा रही है, इसलिए या तो द्वारिकाधीश के पास जाओ, अगर द्वारिकाधीश के पास में आप नहीं जाओगे तो फिर हम अपने प्राणों का भी अंत कर लेंगे और कोई हमारे पास में उपाय नहीं है, इसलिए आइए एक भजन के माध्यम से हम आपके लिए सुशीला की उस बात के लिए बतलाते हैं। सुशीला ने बड़ा सुंदर ही बोले सुदामा जी को रास्ता बतलाया, कहा कि नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, नाथ जाओ चले द्वारिका को। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए साथ जाओ चले दीवाने, दूर कर देंगे दुख मोरे दीवाने, अब किसी का भरोसा नहीं, नाथ जाओ चले द्वारिका को, Thank you.
कृपा को तुम सोचा गुजारा नहीं है। हाथे खिलो तन के, हाथे खिलो तन के कपड़े फटे हैं, देख लो साथ जाओ चले द्वार को। क्या के कहना ये पिता हमारी, दूसरा कोई सहारा नहीं है। क्या के कहना ये पिता हमारी, दूसरा कोई सहारा नहीं है। देख लो तुम, हाँ देख लो तुम, मुसीबत है कितनी। देख लो तुम, तुमने सोचा बेचारा नहीं है। देख लो तुम, मुसीबत है। दीवाना रोते रोते नयन जल भी सूखा। बनाऊं के बनाऊं के रहता दीवाना रोते रोते नयन जल भी सूखा। ओ चाहता हूँ, ओ चाहता हूँ मैं भूल जाऊँ, चाहता हूँ नजर में गुजारा नहीं है। आप जाओ चले द्वार को, आप जाओ चले द्वार को। मध्वा भरते नाम उपायनम, चार जगह से महाराज चावल लेके जब आई, अब बांधने को कपड़ा नहीं है। ए भेंट छोटी सी हमारी द्वारकाधीश को दे देना। जो सुदामा जी चले महाराज, लेकिन कई दिन से अन्न खाया नहीं है, इसलिए चलने की शक्ति है नहीं। भगवान ने मन में विचार किया कि सुदामा हमारे पास आ रहा है, और शास्त्रों में कहा है
जो तुम्हें आहो एक पग तो हमें और सोते हुए सुदामा को बोले जाओ द्वारिका फिर लेके आओ। उस योग माया ने सुदामा को द्वारकापुरी में रख दिया। अब महाराज नींद खुली, थोड़े आगे चले, बोले महाराज पता किया है कि कौन सा गांव आ गया भैया। तो नगर में जो द्वारिका में जो लोग विचरण कर रहे थे उन्होंने कहा भैया ये द्वारकापुरी है। बोले द्वारकापुरी है? बोले हाँ। तो बोले इसी द्वारिका में तो हमारा एक मित्र रहता है। बोले उसका नाम क्या है? बोले कि हम तो वैसे उनसे कनुआ कनुआ हते मगर उसका नाम कृष्ण है। तो बोले महाराज यहाँ के तो राजा हैं, मिलता जुलता तो नाम जैसा लग रहा है, लेकिन हमारे इसे द्वारकापुरी के जो राजा हैं, बोले महाराज उनका ऐसा तो नाम नहीं है, उनके तो कई विश्लेषण लगाते हैं तब लोग नाम लेते हैं। श्री श्री 1008 श्री श्री द्वारका आया हूँ वो मेरी बचपन का यार के मेरा श्याम यही आस कर द्वार तेरे आया हूँ। अरे द्वार पालो जय हो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो बन के जामा बता दो कन्हैया को काम है सुदामा बता दो कन्हैया को काम है सुदामा बता दो कन्हैया को काम है सुदामा बता दो कन्हैया को बटन पे है पगड़ी बटन पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा नजर पे है पगड़ी बटन पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा मेहमान के अजीब पर से अपने सुदामा दिखाए चरण आशुओं से जामने बुलाए हो बराबर से अपने सुदामा दिखाए चरण आशुओं से जामने बुलाए हो चरण आशुओं से जामने बुलाए हो चरण आशुओं से बराबर से अपने सुदामा बैठाए चरण से राम ने सुनाए हो बराबर से अपने सुदामा बैठाए से राम ने सुनाए हो से राम ने सुनाए खबरा प्यारे जरा तुम सुदामा
घबराओ प्यारे जरा तुम खुशी का समा तेरे हरे खुशी का समा तेरे हरी खुशी का समा तेरे हरी अरे ताल पालो कन्हैया की कह दो मिले ने सुदामा बड़ी बात यारे 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 मिले ने सुदामा करी बोलिए भगवत सुदामा घर वापस नहीं पहुंच जाएंगे तब तक सुशीला भोजन नहीं करेगी। इस कारण से बोले महाराज सुदामा जब जाने लगे तो बोले कन्हैया जी बताओ भाभी से क्या कह देंगे। तो बोले गए बस सुदामा भगवान कहते सुदामा हमारी भाभी को तुम राम राम कह देना। बोले बस बोले हाँ जो इतनी बात सुदामा ने सुनी महाराज सुदामा चलते हैं वही योग माया के द्वारा उस नदी के किनारे परमात्मा श्याम सुंदर ने सुदामा को छुड़वा दिया है। आज जो सुदामा ने देखा कि बड़े दिव्य महल बने हैं और दिव्य महलों में जाते हुए सुदामा ने मन में विचार किया कि नदी तो हमारे गांव की है, यह नदी जो है हमारे गांव की है, पर हमारे मकान कहां गए। जिस झोपड़ी में मैं रहता था वो कहां गई। सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा जी मंदिर देख डरे मेरी टूटी कपरिया यहाँ तो थी मेरी टूटी कपरिया यहाँ तो थी मेरी टूटी कपरिया यहाँ तो थी मेरी टूटी कपरिया पंचायत में ले खड़े खड़े सुदामा जी मंदिर देख करे सुदामा जी मंदिर देख करे फिर जा भक्तवत्सल भगवान। एक ऋषि का श्राप है कि मृषा न हो देव ऋषि वाणी। जब महाराज वह समय आया तो सुखदेव जी महाराज राजा पारीक्षित से कहते राजा तुम मरोगे। राजा पारीक्षित कहते हैं कि अब हमारा समय आ गया है
और बोले महाराज कहा अहम ब्रह्मा परम धाम ब्रह्म परम पदम। बोले तुम पर ब्रह्म परमात्मा के परम पद को प्राप्त हो जाओगे। तुमने सात दिन भगवान की कथा सुन ली है, लेकिन महाराज वो सातवा दिन आया आज तक तक्षक चला राजा परीक्षित को दसने के लिए। जो महाराज पर फुलाया हुआ गया फूलों में छिटा हुआ, और बोले महाराज जहां पर राजा परीक्षित बैठे हुए थे वहीं पर गया। उसने अपने फन का प्रहार किया और फन लगते ही बोले महाराज राजा परीक्षित नत्थू को प्राप्त हो। जो महाराज नत्थू को प्राप्त हुए उसी समय जन्मे जाए राजा परीक्षित के जो बड़े बेटा हैं जन्मे जाए। इन्होंने सर्वेष्टि यज्ञ किया, ब्राह्मणों से कह दिया कि ऐसे मंत्रों का उच्चारण करो कि जितने सर्प हैं सारे यज्ञ कुंड में स्वाहा हो जाए। तो महाराज ब्राह्मणों ने वही युक्ति अपनाई, सारे सर्प आके यज्ञ कुंड में स्वाहा होते जा रहे हैं। लेकिन महात्मा ने आके जब समझाया इतना भी हो गया महाराज कि जिस तक्षक ने काटा था उसने इंद्र की शरण ली, इंद्र की सिंहासन पर जाके लपड़ गया। बोले महाराज राजा जन्मेजय ने कहा कि जितने सर्प हैं ब्राह्मण देवता पूरे यज्ञ कुंड में स्वाहा करना है। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा राजन सारे सर्प मारे गए हैं, केवल एक सर्प बचा है वो है केवल तक्षक। बोले कहा है? बोले उसने इंद्र की सहायता ली है, वो इंद्र की सिंहासन में लिपड़ गया है, अब इंद्र का आवाहन करना पड़ेगा। तो बोले इंद्र सहित स्वाहा करना बड़े क्रोध में थे। लेकर महाराज महात्माओं के कहने पर जन्मेजय मान गए। इस प्रकार से महाराज भगवान की यह पावन मंगलमयी कथा हम और आपके बीच से ही है। शास्त्र कहते हैं कि हम आप ही राजा परीक्षित हैं। सप्ताह में आठ दिन नहीं होते हैं। भगवत चरणों में यह जीव लीन हो जाए ताकि यह जीव आत्मा भगवत धाम को प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से बोले महाराज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के लिए अंतिम उपदेश हम सबके लिए के भगवान का नाम ध्यान गुण कैसे हैं। बोले नाम कीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख मनस्तापम नमामि हरि परम। बोले महाराज भगवान का नाम संकीर्तन भगवान के गुणानुवाद ही इस जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाले हैं, इसलिए परमात्मा का चिंतन करके भगवत धाम को यह जीव प्राप्त हो सकता है। और आज इस छोटे से ग्राम में इस छोटे से परिवार में भगवान की ऐसी अनन्य कृपा हुई कि महाराज सात दिन तक भगवान की इस भक्तिमय ज्ञान गंगा यज्ञ की सरिता सात दिन तक बहती रही। छोटे से इस परिवार पर परमात्मा की कृपा देखो, चारों तरफ से हमारे क्षेत्रवासी चाहे वो माताएं हों चाहे पुरुष हो, सबने इतना महत्वपूर्ण समय निकाला और समय निकाल करके दिन रात जनता को एकत्रित किया है। बोले महाराज रात में और दिन में बराबर जनता इसी तरह जो नाना व्याधियों से ग्रसित हो वो अगर महाराज नर्मदा की शरण ले ले तो कहना ही क्या है, यादि व्याधि सारी समाप्त हो जाएगी। शास्त्र कहते हैं कि भगवान शंकर की पुत्री मनसा और नर्मदा जो इनका नित्य प्रति स्मरण करता है। बोले महाराज कभी उसको नांग काटने से मृत्यु नहीं हो सकती, ये नर्मदा पुराण की बात है।
उसको कभी सर्पदंश से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। जो माँ नर्मदा का स्मरण करे, मनसा देवी का स्मरण करे, और बोले महाराज भगवान शंकर ने तो वरदान दिया है नर्मदा को कि नर्मदा के कंकड़ और सब शंकर। एक बार गंगा ने हाथ जोड़ करके, क्यों नर्मदा जो है महाराज वो दक्षिणी गंगा है और जो भागीरथ लाए वो उत्तरी गंगा है। गंगा दोनों हैं, लेकिन उत्तरी गंगा भागीरथी गंगा हाथ जोड़ करके भगवान शंकर से कहती थी कि प्रभु हम में सारे पापी स्नान करेंगे, उन पापियों का पाप इतना हो जाएगा कि हम पर संभलेगा नहीं। तो भगवान शंकर ने कहा गंगा तू नर्मदा का स्नान कर। तो बोले लोग हम में आके स्नान करेंगे और हम नर्मदा में आके स्नान करेंगे। तो बोले फिर एक बात बतलाऊं, साल में एक बार, वर्ष में एक बार, वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन तुम नर्मदा जी में स्नान करने आओगी। साल भर में एक वर्ष में जितने पापी प्राणी तुम्हारे अंदर पाप धोने आएंगे वो सारे पापों को धोने के लिए तुम नर्मदा में आ जाना। तो वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन गंगा सप्तमी जो पड़ती है, उस गंगा सप्तमी में नर्मदा जी में स्नान करने के लिए साक्षात गंगा आती है। मार्कंडेय जी कहते हैं कि जब जब प्रलय होता है महाराज तो दक्षिण में, तो दक्षिण तट में जो जीव जंतु वृक्ष पौधे लता पत्ता इत्यादि जो होते हैं वो पितृलोक में जाके वास करते हैं, और जो महाराज उत्तर तट पर विराजमान रहते हैं वो प्रलय काल की अवस्था में, वो चाहे पेड़ हो चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो चाहे जीव हो चाहे जंतु हो, बोले महाराज वो भगवान के परम भगवत धाम को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए साथ में नर्मदा जी का पाठ भी चला। एक दिन द्वादश लिंगों का पूजन करके अर्चन बंदन हुआ, ये सब भगवान की कृपा। और आज इनके परम पूज्य पिताजी नारायण प्रसाद केवट परमात्मा की कृपा से इनको मैं साधुवाद देना चाहता हूँ मंच से, कि परमात्मा इनके लिए शिव प्रसाद केवट उनकी धर्म पत्नी उनके लिए भी मंच से साधुवाद देता हूँ कि परमात्मा तुम्हारे ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखे कि तुम वर्ष में ऐसे अच्छे सत्कर्म कार्य करते रहो। इनसे छोटे वाले भैया जो हैं विशाल, बड़ा सुंदर भाव है, इनको मैं इस मंच से साधुवाद देना चाहता हूँ। और हमारे दीपक भैया पटना से सहारा न्यूज पर जो कथा का प्रसारण कर रहे हैं इनके लिए मैं मंच से साधुवाद देना चाहता हूँ। हमारे भैया खाना से मिश्रा जी सरिया पानी मंदिर से हमारे पुजारी जी, इनने कहा महाराज हमें तो आज ही पता लगो, और आज पता लगो और हम चले आए। तो बोले इस प्रकार से मैं इस मंच से सबको साधुवाद देना चाहता हूँ। और भैया हमारी हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना है कि अगर मैंने किसी का नाम नहीं लिया हो, देखो अगर सब लोगों के एक तो मैं परिचित नहीं हूँ सबसे, और मैं सबके नाम भी नहीं जानता हूँ, और जो रिश्तेदार भी आए हैं अब उनके यत्र तत्र गांव का नाम मैं भी नहीं जानता हूँ। नारायण नारायण नारायण।
आरती गाओ प्रेमानी बिहारी तेरी आरती बिहारी तेरी आरती आरती बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे तुम्हें को आरती गाओ प्यारे तुम्हें को मनाऊं आरती गाओ प्यारे तुम्हें को मनाऊं आरती गाओ प्यारे तुम्हें को मनाऊं हे बन बारी आरती गाओ हे बन बारी आरती तोरे सीख तो है प्यारी बंसी तेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे एक शादी बलिहारी बिहारी तेरी आरती गाओ श्रीमान बिहारी तेरी आरती गाओ चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के दर्शन पाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ हे बनवारी तेरी आरती गाओ तेरी आरती सुख दुख जीवन प्यारे साथ आते हो हरि चरणों में शीश झुकाओ हरि चरणों में शीश झुकाओ हे बनवारी तेरी आरती गाओ हे बनवारी तेरी आरती गाओ Thank you.
है ब्रजवान दुलारे ललका सबे सखियां प्यारी ललका पे साका सब सखियां प्यारी ललका पे साका सबे सखियां प्यारी हो ललका पे साका सब सखियां प्यारी आज सदा है पावन बाज सदा